ये भारत के अंदर है, और रोबोटिक्स जिस तरह से आप देख रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी, तो ऑलरेडी भारत टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर हम बात करते हैं तो हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी तब आती है जब पूरी दुनिया में वो टेक्नोलॉजी एंड होने के दहाने पर होती है। आज भी हम लोग 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, और 4G किसी आप बेसमेंट वाले एरिया में चले जाओ ना, कहीं आप दूर दराज पहाड़ी इलाकों में चले जाओ ना, तो वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते आपके। आप नारायण कगान वाली साइड पर। अमेजिंग यार, मतलब जिस तरीके की टेक्नोलॉजी लग रही है, जितनी डेवलपमेंट है, जापान जिस तरीके से काम कर रहा है, आई थिंक सो कि ये जापान के अंदर रोबोट्स के ऊपर काम हो रहा है, और ये जापान का कोई सिटी है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है, आई थिंक सो जापान है। नहीं सर, जापान नहीं है, थोड़ा सा और गैस कर। उसके बाद तो फिर चाइना बचता है, जो चाइना दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, आप देख रहे हैं सीपैक के ऊपर वो काम कर रहा है, तो शायद चाइना हो सकते हैं। नहीं सर, चाइना भी नहीं है ये आपका, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। ये आपका हमसाया ममालिक है सर। हमसाए में हमारे पास चाइना है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान तो इतनी नहीं, बांग्लादेश भी इतनी तरक्की नहीं कर सकता, चाइनी हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है अब। सर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका हमसाया ममालिक इंडिया है सर। रियली? यस सर। ये सरप्राइजिंग है कि इंडिया जो हमारे से अलग हुआ, हम इंडिया से अलग हुए, और आज वो स्टेज पर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, और रियली हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। और कौन सा मुल्क इतना तरक्की कर सकता है, इतनी डेवलप कर सकता है? आई थिंक सो कि जो इसमें टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है ना कोई यूरोपियन डेवलप कंट्री है, लाइक जापान हो सकता है, कोई भी यूरोपियन लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कंट्री मुझे लग रही है ये। अच्छा सर, मैं आपके लिए थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ, ये आपका हमसाया ममालिक है। हमारे हमसाए में तो इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई भी एग्जिस्ट करे, लाइक इंडिया भी एक्सेप्ट कर सकते हैं हम कि इंडिया से कर, नहीं कोई भी मुझे नहीं एक्सेप्ट करता कि कोई इस तरह करेगा। सर ये इंडिया का ही है, आई कांट इमेजिन कि ये इंडिया का है। जब देख लें क्या कहना चाहिए। जी ये देखने से ही पता चल गया है, ये रोबोटिक सिटी है, ये भारत में है। अच्छा ये भारत की है? हाँ ये भारत की है, रोबोटिक सिटी है। देखिए मैंने इस पर रिसर्च भी की हुई है, ये भारत के अंदर है, और रोबोटिक्स जिस तरह से आप देख रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी, तो ऑलरेडी भारत टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर हम बात करते हैं तो हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी तब आती है जब पूरी दुनिया में वो टेक्नोलॉजी एंड होने के दहाने पर होती है। आज भी हम लोग 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, और 4G किसी आप बेसमेंट वाले एरिया में चले जाओ ना, कहीं आप दूर दराज पहाड़ी इलाकों में चले जाओ ना, तो वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते आपके। आप नारायण कगान वाली साइड पर चले जाओ, आप कश्मीर वाली साइड पर चले जाओ, आपको चार दिन विदाउट सिग्नल्स वहाँ पर स्टे करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर टावर्स नहीं है। तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात रही क्यों, चूँकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइंस एंड एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर हम साइंस एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग चांद पर पहुँच चुके हैं। चंद्रयान 2 उनका फेल हुआ, पाकिस्तान में मीम्स बनाई गई थी कि लो भाई पहुंच गए चंद्रयान आप लोगों का चांद के ऊपर, जबकि उन्होंने अपने अपने फेलियर से उन्होंने सीखा, और चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई उनकी मून के ऊपर। उसके बाद चंद्रयान 3 के भी सिग्नल्स ड्रॉप हो गए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया कि हम चांद पर पहुंचे, हम लोग नई नई चीज़ों को डिस्कवर करें। उसके बाद उनका आदित्य L1 के नाम से एक सूरज का मिशन उन्होंने लॉन्च किया कि ताकि सूरज को स्टडी किया जाए, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर मीम बनाई कि भाई सूरज पर लैंडिंग कैसी होगी। भाई सूरज पर लैंडिंग नहीं होनी, सूरज से पीछे रहकर उसको स्टडी करनी है, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। आप उनके स्कूल्स का मयार देख लें, वहाँ पर बच्चों के लिए दोपहर का लंच फ्री दिया जाता है, वहाँ स्कॉलरशिप्स दी जाती है, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में ये बोला जाता है कि भाई तुम लोग आओ हम तुम्हें पैसे देंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। हाँ स्कूल के अंदर एजुकेशन के लिए पैसे देते हैं। हाँ एजुकेशन के लिए पैसे देते हैं, और आप देख लें कि उन्होंने वहाँ पर कितनी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कीम्स, हम आप उनके मदरसे के बच्चों को देख लें। मैं रिसेंटली उनके मदरसे के बच्चों की ना वो देख रही थी, एक वीडियो देख रही थी, उनके मदरसे के बच्चे देवर ट्राइंग टू मेक अ रॉकेट एंड देवर ट्राइंग टू लॉन्च इट, वो रॉकेट बनाकर उसको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे। लाइक आप देखें कि उनका मयार तालीम वहाँ से कैसे, आप यहाँ से किसी बच्चे को पकड़ लें, किसी मैट्रिक के बच्चे को पकड़ लें, सिर्फ आप एक सेंटेंस बोलेंगे ना इंग्लिश का, वो सोच ही पड़ जाएगा कि इस वर्ड का मतलब बीच में क्या है। हमारे प्रोनंसिएशन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ, हमारी वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। हमारे आज आप देख लें हमारी एजुकेशन में हम क्यों पीछे हैं, क्योंकि 20-20 साल से हमारे सिलेबस अपडेट नहीं हुए हैं। आज भी हम 20 साल पहले की छपी हुई किताबें पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट तो आई है कि 2024 में मैट्रिक का और फर्स्ट ईयर का नहीं, आई थिंक सो सिर्फ मैट्रिक का जो है वो सिलेबस थोड़ा सा अपडेट करेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा 20 साल से वही किताबें हम पढ़े। मॉडर्न थ्योरीज जो आ रही है, मॉडर्न रिसर्चेज जो आ रही हैं,
वो तो किताबों में शामिल ही नहीं हुई होंगी ना। आज भी मैट्रिक में साइंस के बच्चे ये पढ़ते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज माउस, व्हाट इज कीबोर्ड, मैट्रिक दसवीं क्लास में। आज भी मैं बायो की स्टूडेंट थी, मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो मेरी दसवीं की किताब में ये था व्हाट इज सेल, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट आर लिविंग थिंग्स। आप साल वही जो वन क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं वही मैट्रिक में, मतलब इतना ज्यादा आप अच्छा उनका एजुकेशन का जो सिस्टम है वो दुबई ने बोला कि आप अपनी आईआईटी की ब्रांच, आईआईटी आपने सुना होगा उनका एक बहुत मशहूर इदारा है आईटी से रिलेटेड, दुबई ने बोला कि आप इसकी ब्रांच हमारी कंट्री में ओपन करें, हम लेना चाहते हैं टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वहाँ पर है भारत के अंदर है। हमारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं बताएं मुझे, जहाँ पर बाहर फॉरन से लोग आकर पढ़े, फॉरनर्स आकर पढ़े, कोई भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी। आज वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है लम्स। आज भी आप देख लें, आप किसी पढ़े लिखे नौजवान से बात करेंगे, आप उससे पूछेंगे आपका आगे का प्लान क्या है, वो सिर्फ आपको ये बोलेगा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ जॉब्स नहीं है। अगर आप किसी से आगे का प्लान पूछेंगे वो कहेंगे मैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे पास डिग्री होगी तो कुछ ना कुछ तो मुझे प्रेफर किया जाएगा ना। आप देख लें आज हमारे नौजवान जो पाकिस्तान की डिग्रियाँ लेकर बाहर के ममालिक में जाते हैं वो कहते हैं अच्छा पाकिस्तान की डिग्री, चलो भाई तुम साइड पर हटो, दूसरी डिग्री को वो प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको हमारे निज़ाम तलीम पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा हम मॉडर्न थ्योरीज ही नहीं पढ़ते हैं, हम तो साइंस को ही नहीं मानते हैं। वहाँ बन्नू में उन्होंने कह दिया कि भाई डार्विन की थ्योरी ना पढ़ाओ, हम तुम्हें बैन कर देंगे। अब बताएं कि इस तरह की सोसाइटी आगे कैसे बढ़ सकती है, हमें इन सब चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। तालीम पर तो हमारा बजट लगता ही नहीं है, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल कर देख लें, तालीम पर हमारा बजट बहुत ज़्यादा कम लगता है। 75 साल हो गए हैं और 75 सालों में अभी तक आपको क्या लगता है, आप किसी पढ़े लिखे नौजवान को यहाँ पकड़ें, उसकी फील्ड से रिलेटेड उससे बात कर लें, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई आ जाता है इंजीनियर, आप उससे फिजिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लें, आप उससे यही पूछने चले कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सुनाओ, वो उस पर भी अटकेगा। आप उससे पूछ लें न्यूटन के तीन लॉ सुनाओ, उसको पहले लॉ का भी नहीं पता होगा। हमें हमारी फील्ड से रिलेटेड ही हमें वो क्या है ना, यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता, यहाँ सिर्फ थ्योरीज के रट्टे लगवाए जाते हैं। मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट थी, मैंने अपने इंटर में प्री मेडिकल किया था, हमारा प्रैक्टिकल बहुत कम होता था, हमें सिर्फ थ्योरीज पढ़ा दी जाती थी, बीच में जिन जिन केमिकल्स के नाम हम पढ़ते थे हमें वो भी नहीं पता होता था कि इन केमिकल्स का कलर क्या है, ये सही से दिखते कब है, हमें तब दिखाया गया जब हमारे प्रैक्टिकल शुरू हुए, वो भी एक आधे दिन में सारे पढ़ा दिए गए, आपके जहन में नहीं रहे। हाँ, जहन में ही नहीं रहे होंगे। अच्छा, इंडिया ने जो है 5G भी एक इजाद कर दिया। हाँ, 5G चल रहा है वहाँ पर, चल रहा है। 6G को वो लोग जो है वो खुद लीड करने वाले हैं। 2026 को तकरीबन 2026 तक आप उनके गांव में देख लेना, जब उनका इंडिपेंडेंस डे आया था तब उन्होंने हर गांव गांव डिजिटल की स्कीम चलाई थी कि गांव खेड़े जो है वहां पर भी हम लोग इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख लें उनके मयारे तालीम का या उनकी टेक्नोलॉजी का क्या आलम है, और यहां पर क्या आलम है, हम लोग तो यहां पर कैश देते हैं ना, वो लोग कैश नहीं देते वहां पर, वो लोग उनका एक UPI है, रुपये पे है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, उनके जो ठेले वाले भी होते हैं वो QR स्कैन होता है उसको स्कैन करते हुए वो लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। आज हम लोग हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी हमारे पास, आप यहाँ पर किसी स्टूडेंट का पूछ लें उसका भी बैंक अकाउंट नहीं बना होगा क्योंकि हमें इतनी अवेयरनेस है ही नहीं अभी तक। हम लोग ऑपरेशन स्टिचेस वाला करते हैं, वो लेज़र वाला करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा आपको हो गया होगा, और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में इन सब चीज़ों पर वर्क किया जाए, सबसे पहले एजुकेशन पर वर्क किया जाए ताकि हमें अवेयरनेस आए, ताकि हमें पता हो कि हमारे गोल्स क्या हैं, मॉडर्न तालीम है यहाँ पर, स्कूल्स का मैार अच्छा किया जाए तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। किसी भी मुआशरे की बेसिक रूट्स होती ही एजुकेशन है, जब तक आप एजुकेशन पर फोकस नहीं करोगे अवेयरनेस नहीं आ सकती मुआशरे में, और हमें ग्राउंड रूट्स पर, बेसिक रूट्स पर इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। मुझे कोई यूरोपियन कंट्री लग रहा है। यूरोपियन लग रही है? नहीं सर, यूरोपियन नहीं है, ये देखें। नहीं, जिस तरह टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है उस हवाले से तो यूरोपियन ही लग रहा है। नहीं सर, यूरोपियन नहीं है, कोई और गैस करें। कोई और यूरोपियन, फिलहाल टेक्नोलॉजी के हवाले से यूरोपियन ही है, आगे सारे फेरिस वही है। तो अगर यूरोपियन नहीं है तो फिर कौन सा हो सकता है? आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, ये आपके बिल्कुल पास पास हमसाया ममालिक है, ये क्या अफगानिस्तान? नहीं सर, अफगानिस्तान भी नहीं है, अफगानिस्तान ये बना सकते हैं, देखें जरा। तो अफगानिस्तान ने अमेरिका से जितना कुछ इकट्ठा किया है ये कोई मुश्किल तो नहीं है? वो वेपन वगैरह की आप बात कर सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी मशीनरी, लेकिन सर ये देखें ना, ये तो अफगानिस्तान ही याद नहीं कर सकते। तरक्की ना करने की वजह ये है कि पाकिस्तान की आवाम के पास शौर नहीं है,
अवाम के पास शऊर नहीं है या हमारे हुक्मरानों की वजह से हम नीचे हैं? नहीं, देखें अल्लाह ताला का कानून है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, ठीक है। हमारे जहनों में फैक्टर डाल दिया गया क्विक रिवार्ड का, हम काम नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि जो मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं हमें उसका क्विक रिवार्ड मिले, ठीक है, जो भी उसका रिजल्ट निकले फौरन मिले और अच्छा होना चाहिए। मेहनत का हमें पता नहीं है मेहनत करनी कैसे और किसे कहते हैं, शोर हमारे पास है नहीं, तालीम हमारे पास है नहीं, उस्ताद हमारे पास है नहीं, इलम का मतलाशी हमारे पास है नहीं, तो तरक्की क्या खाक हमने करनी है कैसे? अफगानिस्तान कैसे आगे चला गया, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हो रहा है, बांग्लादेश भी आज हमसे आगे है, करेंसी के लिहाज से भी डबल होगी उनकी करेंसी सर। देखें जो जो चीज़ आपके डेवलपमेंट में कंसर्न करती है वो है आपकी सिंसेरिटी, आपके काम के साथ सिंसेरिटी, आपके मतलब पर्सनल लाइफ है, पर्सनल आपके काम है उनके साथ आपकी सिंसेरिटी, या आप कोई पब्लिक है उसके साथ आपकी सिंसेरिटी, ठीक है। और अगर हमारी बात की जाए, हम अपने साथ ही मुखलिस नहीं हैं अपनी ज़ात के साथ, और फिर ये बड़ा बाजार है आपके सामने, देखें आप यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो आप कहेंगे कि यहाँ पर इंसानियत होनी चाहिए लेकिन देखने को नहीं मिलेगी। वो इलामा इकबाल का शेर भी है ना कि वो मौजूद थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिक़ कुरान होकर, वो मौजूद थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिक़ कुरान होकर, यानी हमारे पास कुरान है, कुरान है, इस्लाम है, इस्लाम अमल नहीं है, हालांकि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, अमल भी करते हैं लेकिन अमल किस हद तक करते हैं, जो मतलब जो चीज़ हमें सेटिस्फाई कर रही है वो उठा ली इस्लाम में से, इस्लाम का ये हुक्म है, हमने इसमें देखा कि ये चीज़ हमें सेटिस्फाई कर रही है ये अडोप्ट कर लो, ये चीज़ हमें सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये तलख है, ये तर्श है, छोड़ दो उसे, भले हुक्म है। सर ये आपको दिखाया, अगर आपको चांस मिले तो इंडिया जाना पसंद करेंगे? इंडिया विज़िट करना मैं ज़रूर पसंद करूँगा। सिटी में, इंडिया की किस सिटी में? इंडिया देखें बहुत बड़ा है, इंडिया बड़ा तो है ही लेकिन जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली के बहुत पाकिस्तानी बड़े फैन हैं। हाँ, क्या न्यू दिल्ली में आपने क्या देख लिया खसूसी? न्यू दिल्ली को मैं इस वजह से भी थोड़ा आप कह लें कि मैं उसका शायक हूँ, इस वजह से क्योंकि वहाँ की जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री है, एक्टर्स वहाँ से निकले हैं, वहाँ पे मेरे मोस्ट फेवरेट एक्टर इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनके काम वहाँ पड़े हैं, इनकी मतलब अगर इंडिया के आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ में इनको अगर आप उठा के देखें तो इनकी मूवीज़ सिर्फ मूवीज़ नहीं है, ये कुछ है, एक अलग ही दुनिया है, जादू है, जादू है। और फिर शायरों की इब्तिदा उस सरजमीन से हुई है, यहाँ पे तो या इज्जत करके आए या चंद एक हैं, असल चीज़ें तो फिर वहीं की, अमृतसर है, दिल्ली है, फिर उसके बाद और भी, इस तरह भी जहन में मेरे नहीं आ रहे नाम, तो मैं ज़रूर विज़िट करना चाहूँगा इंडिया को, मुझे अच्छा लगेगा। फिर वहाँ पे बहुत पुरानी चीज़ें देखने को, जो मेरे ख्याल से जो बरसगीर पाको हिंद की जो तहजीब है इसके हवाले से जानने के लिए आपको लाजमी देखनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। मोहम्मद अशफाक, बड़ा साउंड है सर आपका, बड़ी जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज है। थैंक यू सो वेरी मच जी, वेलकम सर। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ जी। स्टूडेंट है, सही हो गया है। अच्छा सर, मैं आपको वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ, बिल्कुल आपने ये गेस करना है कौन सी कंट्री की, ये अपना कौन सी कंट्री है। ओके, अमेजिंग यार, मतलब जी जिस तरीके की टेक्नोलॉजी लग रही है, जितनी डेवलपमेंट है, जापान जिस तरीके से काम कर रहा है, आई थिंक सो कि ये जापान के अंदर रिबोट्स के ऊपर काम हो रहा है, और ये जापान का कोई सिटी है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है, आई थिंक सो जापान है। नहीं सर, जापान नहीं है, थोड़ा सा और गैस करें। उसके बाद तो फिर चाइना बचता है, जो चाइना दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, आप देख रहे हैं सी पैक के ऊपर वो काम कर रहा है, तो शायद चाइना हो सकते हैं। नहीं सर, चाइना भी नहीं है, ये आपका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी, ये आपका हमसाया ममालिक है सर। हमसाए में हमारे पास चाइना है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान तो इतनी नहीं, नहीं बांग्लादेश भी इतनी तरक्की नहीं कर सकता, चाइनी हो सकता है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। अब सर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका हमसाया ममालिक इंडिया है सर। रियली? यस सर। ये सरप्राइजिंग है कि इंडिया जो हमारे से अलग हुआ, हम इंडिया से अलग हुए और आज वो स्टेज पर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, और रियली हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं,
एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और हम किस स्टेज पर काम कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ देख के कि ये जापान में समझ रहा था और ये हमारा हमसाया मुल्क जिसको हम सिर्फ सोशल मीडिया पर और जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर गालियाँ लालतान करने पर तुले होते हैं और वो हमें प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। सर देखा जाए तो अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान किधर खड़ा है, बांग्लादेश किधर खड़ा है, बांग्लादेश की करेंसी देखिए तो हमसे डबल हो चुकी है। सर वो छोड़े, जिसको हम टका कहते थे ना, टका बांग्लादेश की करेंसी, वो टका भी आज हमारे से जो है ना तरक्की कर चुका है और हमारी करेंसी इतनी डी वैल्यू हो चुकी है। वो बात करके हम इंडिया जो है तरक्की कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे अमन दुश्मन बन चुके हैं, तो ऐसे तरीके से तो किसी सूरत जो है ना वो चीज़ें नहीं चलती। अच्छा भाई, इंडिया की जो करेंसी है इस वक्त 30+ ममालिक में जो है यूज़ हो रही है, तो पाकिस्तान की करेंसी किधर देख रहे हैं? मरने का मकाम है कि आपके साथ पड़ोसी मुल्क जो है जिसको हम पिछले 74-75 सालों से अपना दुश्मन समझते हैं, आज वो टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो तरक्की कर चुका है, वहाँ पर यूट्यूब ने अपना, गूगल ने अपना ऑफिस खोल लिया है, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं आते? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लूट मार है, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो सौदेबाजी के ऊपर है। आप सियासत को देख लें, आप किसी भी इदारे को देख लें, सिवाय अपने मफाद के अवाम का मफाद कुछ भी नहीं। एहतिशाम जाफरी भाई पढ़ते हैं? जी जी। कौन सी? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम यूएटी। यूएटी सर, वेरी गुड हो गया। अच्छा सर, हमारा आज का टॉपिक है, इस वीडियो के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, आपने गैस करना ये कौन सी कंट्री की वीडियोज है और कौन सा मुल्क इतना तरक्की कर सकता है, इतनी डेवलप कर सकता है। आई थिंक सो कि जो इसमें टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है ना कोई यूरोपियन डेवलप कंट्री है, लाइक जापान हो सकता है, कोई भी यूरोपियन लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की कंट्री मुझे लग रही है ये। हाँ अच्छा सर, मैं आपके लिए थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ, ये आपका हमसाया ममालिक है? हमारे हमसाए में तो इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई भी एग्जिस्ट करे, लाइक इंडिया भी एक्सेप्ट कर सकते हैं हम कि इंडिया ऐसे कर, नहीं कोई भी मुझे नहीं एक्सेप्ट करता कि कोई इस तरह करेगा। सर ये इंडिया का ही है, आई कांट इमेजिन कि ये इंडिया का है। जब देख लें क्या कहना चाहेंगे? असल में अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान के और इंडिया के, तो इंडिया बहुत पुराना मुल्क है, इंडिया के लोगों की वही इंडस्ट्री, उन्हीं की चीज़ें। पाकिस्तान पुराना मुल्क नहीं है? नहीं, वो 75, उसे 75 साल हुए, आज़ाद हुए। अगर एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान और इंडिया के किया जाए तो वहाँ की जो डेवलपमेंट है तो वो पुराने 100 साल 200 साल, वहीं की इंडस्ट्री वहीं के उन्हीं लोगों के पास है, चाहे वो कोई भी वेपन हो, कोई टेक्नोलॉजी हो। और रही बात के डेमोक्रेसी की, वहाँ की डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में किस तरह की चलती है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी, उन्हें काम ही टेक्नोलॉजी पे है, उनका ये काम नहीं है कि हम आर्मी को दे दें पैसे या इस तरह कर दें या उस तरह कर दें। तरक्की का राज जो है वो टेक्नोलॉजी है, उनकी तरक्की का राज है फर्स्ट ऑफ ऑल, उनकी प्रायोरिटी है एजुकेशन। जब तक हम अपनी आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान को देख लें कि क्या एजुकेशन का क्या मैार है। आपका सबसे दो आपके शहर हैं एजुकेट के एजुकेशन के बारे से, लाहौर इस्लामाबाद, जिसने पढ़ने जाना इस्लामाबाद चले जाओ या लाहौर आ जाओ, हमारी एजुकेशन से हो ना हो इस्लामाबाद चले जाओ। जी बिल्कुल, इसी तरह यही तो मसला है कि एजुकेशन को फ्री होना चाहिए। अगर एजुकेशन फ्री होगी बच्चे एजुकेटेड होंगे और वो अपनी जॉब्स की तरफ नहीं जाएंगे, वो अपने काम अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे और गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी। अच्छा सर, अगर इंडिया की करेंसी का करें तो यहाँ पे किसी, अगर मैं एज अ फॉरेनर हूँ तो मैं नया बिज़नेस कोई स्टार्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे 30 कंपनी NRI EPA इतनी ज़्यादा मुझे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से अप्रूवल चाहिए, फिर मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो पहले मैंने अपनी उस पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पैसे दूँगा, फिर मैं अपना कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। अगर एज इंडिया को देखा जाए, इंडिया में देखें डेल की अपनी टेक्नोलॉजी है, कार्स की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, IT की जितनी भी देखें टेक्नोलॉजी, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे जो हमारा माउस बनता है, एक छोटा सा माउस बनता है, तो यहाँ पे तो हमारा टेक्नोलॉजी अलाउ ही नहीं है, चाइना से टेक्नोलॉजी बनती है, यहाँ पे क्या करते हैं असेंबल कर दें और यहाँ पे सेल कर दें। सर बांग्लादेश की अगर बात कीजिए तो बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, आज बांग्लादेश किधर खड़ा है? अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान किधर खड़ा है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? एक बात, हमारा इस्लाम, सारी चीज़ें एक चीज़ पर डिपेंड करती हैं, वो है बिज़नेस। आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश को देखा जाए, उन्होंने इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग की है, बिज़नेस करके अपनी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, मैं कहता हूँ जी कि मैं लाइक एक शर्ट का बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ, तो फिर मैंने 5 साल बनाए हैं उनके कॉन्टैक्ट बनाने के लिए अब्रॉड में, कि यार मैंने अपनी एक शर्ट सेल करनी है, कॉन्टैक्ट बना ली है अपने, उसके बाद कि हुकूमत 5 साल में चेंज हो गई है
वो हमारे जितने भी रूल हैं चेंज हो गए, इम्पोर्ट ख़त्म करें, एक्सपोर्ट ख़त्म करें, मेरे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे गए? वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं। चाइना को देख लें, चाइना क्या किया है, चाइना क्या न्यूक्लियर पावर कर रहा है, अपनी पावर किस चीज़ से दिखा रहा है, अपने बिजनेस से, अपनी इकोनॉमी से, अपनी टेक्नोलॉजी से। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं तो हम अपनी एक सेलेब्रिटी को लेके आते हैं कि यार इसकी करो एडवर्टाइजमेंट करो कि यार ये मोबाइल है, बाबर आजम ये वो सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट हर चीज़ को खुद प्रेफर देती है कि यार ये चीज़ यूज़ करो, ये मैंने चीज़ यूज़ की हुई है। तो आपको पता है कि जो आवाम है तो वो इसी चीज़ की जाएगी कि यार हाँ अगर मोदी ये चीज़ यूज़ कर सकते तो हम भी यूज़ करेंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया।